बिहार में बाढ़ से मचा हाहाकार। कोसी नदी का दिखा रौद्र रूप। बिहार के 16 जिलों में जल प्रलय। तटबंधों के टूटने से मची भारी तबाही। मुजफ्फरपुर के बाकुची पावर प्लांट में घुसा पानी। बिहार में इस वक्त बाढ़ का भयानक मंजर दिख रहा है। सहरसा, सुपौल और चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक हाहाकार मचा है। तटबंधों के टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां तक कि मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित बाकुची पावर प्लांट में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। पावर स्टेशन के इंजीनियर सुनील कुमार ने बताया कि पानी पावर ग्रिड के कंट्रोल रूम में घुसा है, लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटरा ब्लॉक की 22 पंचायतों में कभी भी बिजली की आपूर्ति बंद की जा सकती है, जिससे करीब 42 से 43 हजार उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कभी भी पावर सप्लाई बंद किया जा सकता है। कितने पंचायत में यह बिजली? 22 पंचायत हमारे अंदर है, कटरा प्रखंड के अंदर। लगभग कितने उपभोक्ता होंगे? लगभग वही 42-43 हजार के अप्रोक्स। अच्छा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? ना, ऐसा है कि हम लोग उपाय कर रहे हैं। अच्छा, अल्टरनेट सोर्स से। कितना पानी हो गया है पावर सब स्टेशन? पूरे कंट्रोल रूम में भर चुका है पानी। कंट्रोल रूम में भर चुका है जी। खतरा का भी डर है? खतरा का सेफ्टी पर्पज पे हम लोग को बंद करना पड़ सकता है। बंद बनना है। कितना पानी अभी चला गया है अंदर? अंदर अभी कंट्रोल रूम में चला गया है, ब्रेकर में भी आ गया है पानी। आ गया। विभाग से कुछ निर्देश आया? विभाग से अभी निर्देश अधिकार से हम बात किए हैं, निर्देश नहीं आया। जैसे आएगा पावर सप्लाई बंद कर। अच्छा, क्या परिचय हुआ? मेरा सुनील कुमार, मैं कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशासन का प्रतिनिधि। नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार में नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां इस वक्त उफान पर बह रही हैं, जिसके चलते आम जनजीवन खतरे में पड़ गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तटबंधों के टूटने का असर भारत और नेपाल सीमा पर बने गांवों पर हुआ है। जान बचाने के लिए लोग हजारों की संख्या में सड़कों और बांधों पर रहने को मजबूर है। खबर यह भी है कि सीतामढ़ी के गांव में बागमती नदी के तटबंध में पानी का दबाव ज्यादा होने के चलते दरारें आ गई हैं। पश्चिम चंपारण में भी पानी का दबाव अत्यधिक हो गया है, जिससे यहां काफी नुकसान हुआ है। पानी का बहाव ज्यादा होने के चलते बाढ़ का पानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी घुसा। आपको बता दें कि बिहार और नेपाल में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा और गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस तरह से बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, लिहाजा इलाके में राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। बिगड़े हालात को देखते हुए राज्य में और अधिक एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की कई टीमों को बिहार भेजने का फैसला लिया है। झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। इस बीच बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। हालांकि बिहार में पहले से ही एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें बाढ़ राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।